अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां विभागों में खाली पद भरेगी सरकार। सरकार तैयार कर रही पद भरने की रणनीति, जल्द ही कई विभागों में भर्ती निकाली जाएगी। स्वरोजगार देने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो जो खाली पद है, रिक्त पद है, लगातार जिन पर मांग चल रही थी भर्ती की, अब उस पर भर्तियां निकाली जाएगी। जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से विभाग होंगे। हमारे साथ सोनू सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार अभ्यर्थियों की मांग थी, युवाओं की मांग थी कि कई सारे ऐसे विभाग थे जिनमें जो है भर्तियां नहीं निकाली जा रही थी, काफ़ी लंबा अरसा हो गया था। ऐसे में जो है हम कह सकते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा था युवाओं को, अभ्यर्थियों को। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द ही कई सारे ऐसे विभाग होंगे जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। देखिए, तमाम ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में तमाम कर्मचारियों के, अधिकारियों के पद जो हैं वो खाली हैं, और इन रिक्त पदों को जो साथ की प्रक्रिया होती है, जो नियम होते हैं, नियमों के तहत इनको भरे जाने के मुख्यमंत्री पहले दिशा निर्देश दे चुके हैं, और अभी भी अधिकारी जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस किस विभाग में कितने पद खाली हैं और किस प्रक्रिया के तहत इनको भरा जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर चुके हैं कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकार जो रोजगार है वो देना चाहती है, और चूंकि जो सरकारी सिस्टम है उसके तहत जो विभागीय पद खाली हैं या प्रमोशन के बाद जो नई नियुक्ति होनी है उनकी संख्या सीमित है, तो ऐसे में सरकार न सिर्फ सरकारी सेवाओं में युवाओं को मौका देने के साथ साथ, बल्कि सरकार जो है वो स्वरोजगार के नए नए साधन कैसे सृजित हो सकते हैं इस पर भी फोकस कर रही है, यानी युवाओं को अपने रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है, स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। एक तरफ मुख्य सचिव के स्तर पर विभागों से ये डिटेल मंगाई गई है और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है कि किस किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसके अलावा अन्य कई ऐसे विभाग है जहां पर अभी नियुक्ति होनी है खाली पदों पर, तो एक तरफ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, युवाओं को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, युवाओं में कितनी खुशी है इस खबर के बाद, क्योंकि लगातार जो है युवाओं की मांग थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि जब इस प्रकार की भर्तियां नहीं निकलती तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सोनू के कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है युवाओं का। अब क्योंकि इस प्रकार के आदेश दे दिए हैं मुख्यमंत्री ने, इस प्रकार की बात कह दी है, तो युवाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के युवा खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और जो एक प्रक्रिया होती है उसको भी अपना रहे हैं, और सरकार इसके लिए भले ही लगातार प्रयास भी कर रही है और तमाम जो रोजगार से संबंधित युवा महोत्सव के माध्यम से मेले भी आयोजित करा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, चाहे वो रोजगार मेलों में आप युवाओं का हुजूम देख लीजिए या फिर जो इसकी प्रक्रिया है उसके प्रति युवाओं का रुझान देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि युवा खासे उत्साहित हैं और प्रत्येक युवा चाहता है कि उसको सरकारी सेवा में मौका मिले, और जिन युवाओं की एज का फैक्टर है यानी आयु सीमा कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगी, तो ऐसे युवाओं को स्वरोजगार से सरकार जोड़ने की रणनीति बना रही है, सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं और युवा भी इसका सरकार के इन प्रयासों का स्वागत करते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल, और जो हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने का सपना यहाँ पर मुख्यमंत्री ने देखा है युवाओं को विशेष तौर पर, वो भी पूरा होता नजर आएगा, क्योंकि मेहनती है युवा, पढ़ाई करते हैं और ये मदद मिल जाएगी। भर्तियाँ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उत्साह बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है युवा कोशिश करेंगे पढ़ाई लिखाई करने की अच्छे से, जिससे जो है वो भी काम कर सके, और ये काफ़ी अच्छा कदम है सरकार का। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।